हेलो स्टूडेंट्स, मेरी पिछली वीडियो में भी मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन कोरोना वायरस कराए थे, उसको ही कंटिन्यू करते हुए कुछ और क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज इफेक्टेड बाई COVID-19। ऑप्शंस हैं लंग्स, बी हार्ट, सी किडनी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ए लंग्स। COVID-19 जैसा कि आप सब जानते हैं, इसके सबसे पहले गले से शुरू होता है, उसके बाद जब पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए तो उसकी लंग्स में प्रॉब्लम आती है और उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन सीन अंडर माइक्रोस्कोप व्हाट डज कोरोना वायरस लुक लाइक। ऑप्शंस हैं रिंग, लीफ, क्राउन, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है सी क्राउन। ये हमें माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर हमें मुकुट के आकार का वायरस नजर आता है। थर्ड क्वेश्चन, इन COVID-19 व्हाट डज VI डिनोट। ऑप्शंस हैं वायरस, डिसीज, कोरोना, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है, ए वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिक्लेयर्ड COVID-19 एज पेंडेमिक। ऑप्शंस हैं UN, WHO, अमेरिका, यूनिसेफ। तो इसका आंसर है WHO। फिफ्थ क्वेश्चन, हु अप्रूव्ड मेक इन इंडिया COVID-19 टेस्ट किट। ऑप्शंस हैं UN, WHO, इसरो, सिडेस्को। तो इसका आंसर है डी सिडेस्को। इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये रेगुलेटरी बॉडी है फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस के। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सजेस्टेड इंक यूज टू आइडेंटिफाई क्वारंटाइन पीपल। क्वारंटाइन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो इंक यूज की जाती है वो किसने सजेस्ट की। ऑप्शंस हैं हेल्थ मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इलेक्शन कमीशन या डिफेंस मिनिस्ट्री। तो इसका ऑप्शन है सी इलेक्शन कमीशन, इसने सजेस्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च सेल्फ असेसमेंट टूल फॉर COVID-19 इन इंडिया। ऑप्शंस हैं हरियाणा, केरला, गोवा, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है सी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी डिक्लेयर्ड हेल्प ऑफ $10 million फॉर फिल्म एंड टीवी वर्कर्स। लॉकडाउन के दौरान जो फिल्म और टीवी वर्कर्स जो थे उनको भी अपनी जॉब्स जाने के कारण प्रॉब्लम आ रही थी, तो जो है एक कंपनी जो इनकी हेल्प के लिए आगे आई, उनमें ऑप्शंस हैं यूट्यूब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स और गूगल। कौन सी कंपनी थी, ऑप्शन है सी नेटफ्लिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऐप वॉज लॉन्च्ड बाई पंजाब टू मेक पीपल अवेयर ऑफ कोरोना वायरस। कौन सी ऐप थी, ऑप्शंस हैं पंजाब न्यूज़, पंजाब फीड, कोवा पंजाब या नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन है सी कोवा पंजाब, ये पंजाब गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मच टाइम टोक्यो ओलंपिक्स हैज़ बीन कैंसल्ड। ऑप्शंस हैं 2 years, 1 year, 3 year, 4 year। तो इसका आंसर है बी 1 year। टोक्यो ओलंपिक्स इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और इनका हेड ऑफिस भी स्विट्ज़रलैंड में है, और जो IOC है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी फॉर्मेशन 23 जनवरी 1894 को हुई थी।
IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की फॉर्मेशन जो थी कब हुई थी? 23 जनवरी 1894 को, और इसका हेड ऑफिस भी स्विट्जरलैंड में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम? ऑप्शन हैं, ड्यू टू दियर क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस, ड्यू टू दियर लीफ लाइक प्रोजेक्शंस, ड्यू टू दियर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स, नन ऑफ दीज। इसकी ऑप्शन है ए, ड्यू टू दियर क्राउन लाइक प्रोजेक्शंस। इसकी जो शेप है वो ऐसे लगती है जैसे मुकुट जैसी हो, तो इसलिए इसको हम जो है कोरोना वायरस, उसी से इसका नाम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन चूजन फॉर अवेयरनेस कंपेन ऑफ कोरोना वायरस बाई WHO? WHO ने किस पर्सन को कोरोना वायरस की अवेयरनेस कंपेन के लिए चुना? ऑप्शंस हैं, अक्षय कुमार, एक्टर है, सुनील छेत्री, सोनू निगम, विराट कोहली। तो बी इसका आंसर है, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री इंडियन फुटबॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री एबॉट लेबोरेटरीज लॉन्च 5 मिनट कोरोना किट? 5 मिनट टेस्ट हो सके कोरोना का, उसके लिए एबॉट लेबोरेटरीज ने कौन से देश में 5 मिनट कोरोना किट लॉन्च की? तो ऑप्शन है, अमेरिका, जापान, चाइना, इंडिया। तो इसका आंसर है ए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड विच ऐप टू ट्रैक दी लोकेशन ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पीपल? जो कोरोना इन्फेक्टेड पीपल है उनकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए कौन सी ऐप भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई? ऑप्शंस हैं, गो कोरोना, कोरोना नमस्ते, कोरोना कवच, आरोग्य सेतु। तो इसकी ऑप्शन है सी, कोरोना कवच। नेक्स्ट, विच एनिमल वॉज द फर्स्ट टू टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस? ऑप्शन है, टाइगर, बैट, मंकी, नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन है ए, टाइगर। नाडिया नाम की जो टाइग्रेस थी, सबसे पहले उसमें कोरोना वायरस के लक्षण दिखे थे, ये अमेरिका में थी, न्यूयॉर्क, अमेरिका। जू का नाम था ब्रोनॉक्स जू। व्हाट वॉज द नेम ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोट टेकिंग थर्मल टेम्परेचर ऑफ COVID-19 पेशेंट? COVID-19 पेशेंट्स का टेम्परेचर चेक करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया, तो उस ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं, मित्रा, दोस्त, फ्रेंड, हमदर्द। तो इसका आंसर है ए, मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हुम वॉज लॉकडाउन लर्नर सीरीज लॉन्च्ड इन इंडिया? ऑप्शंस हैं, WHO, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, UGC। तो इसका आंसर है सी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। इन्होंने लॉकडाउन के दौरान जो है स्टूडेंट्स के लिए लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज लॉन्च की। विच बैंक एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद भारती एक्सा इंश्योरेंस कंपनी टू कवर COVID-19 पेशेंट्स? भारती एक्सा इंश्योरेंस कंपनी के साथ किसने कैलोब्रेशन की, पार्टनरशिप की COVID-19 पेशेंट्स की इंश्योरेंस करने के लिए? तो ऑप्शंस हैं, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC, DBS। इसका आंसर है DBS, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसकी इंडिया में 12 जगह पर ब्रांचेस हैं पार्टनरशिप की। विच फॉरेन बैंक हैज रेज्ड इट्स स्टेक इन HDFC फ्रॉम 0.8
परसेंट टू 1.01%। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ए, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। इन्होंने HDFC में अपनी जो स्टेक था, हिस्सेदारी थी, वो बढ़ा दी। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हरकत में आई, तो उन्होंने बीच में इंटरफियर किया कि कोई भी फॉरेन की कंपनी इंडिया के साथ अगर बिजनेस करना चाहती है तो उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोर्टल लॉन्च्ड बाय HRD मिनिस्ट्री टू मॉनिटर एंड रिकॉर्ड COVID-19 रिलेटेड चैलेंजेस। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था HRD मिनिस्ट्री ने? सुझाव, सलाह, मदद या युक्ति? तो आंसर है ऑप्शन डी, युक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक स्टार्टेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन? ऑप्शंस हैं HDFC, SBI, ICICI बैंक या पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अल्कोहल शुड सैनिटाइजर कंटेन? सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शंस हैं 60%, 65%, 55%, 75%। तो इसका आंसर है 60%। अगर 60% अल्कोहल की मात्रा होगी तभी वो सैनिटाइजर इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल नेम अनाउंस्ड बाय WHO ऑन 11 February 2020 फॉर द डिसीज दैट इज कॉजिंग 2019 नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक। ऑफिशियल नेम जो था वो क्या दिया गया था? CoNd19, COVID-19, CoV-N19 या COVID-19? तो इसका आंसर है COVID-19, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाउ मच GDP हैज क्रिसिल प्रिडिक्टेड फॉर इंडिया इन द ईयर 2020? क्रिसिल एजेंसी है जो रेट करती है, तो GDP के बारे में बताती है। तो इसने इंडिया के लिए 2020 में कितनी GDP प्रिडिक्ट की है? ऑप्शंस है 3.5%, 2.1%, 4.2%, 5.5%। तो इसका आंसर है ए, 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिस्ट्रिक्ट और एरिया वेयर देयर इज नो कन्फर्म्ड केस इन द पास्ट 21 डेज इज कॉल्ड? ऑप्शंस हैं रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन या ऑरेंज जोन। तो इसका आंसर है ग्रीन जोन। अगर 21 दिन तक कोई भी कन्फर्म्ड केस किसी एरिया या जिले में ना आए तो वो ग्रीन जोन में चला जाता है। रेड जोन किसको कहते हैं? जो हॉटस्पॉट जोन जिसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।